आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंगन को बनाने का बहुत ही नया, इंटरेस्टिंग और टेस्टी तरीका। इस रेसिपी को एक बार खा लिए ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही नए तरीके से हम इस रेसिपी को बनाएंगे और सबसे आसानी से और जल्दी से बन जाने वाला ये बैंगन आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही एक छोटी सी घंटी आएगी, उसको भी ज़रूर से दबा लीजिएगा ताकि रोज़ की वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने छोटे वाले बैंगन का यूज़ किया है और ये हल्के कलर वाले हैं। आपके पास अगर डार्क कलर वाले हो तो वो भी चलेगा, लेकिन छोटे वाले बैंगन का ही यूज़ कीजिएगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। अच्छे से इनको धो लिया है और पोंछ लिया है मैंने। अब चलिए इनको काट लेते हैं। तो यहाँ पर बैंगनों को इस तरीके से चार टुकड़ों में कट करेंगे, लेकिन टुकड़े अलग नहीं करने हैं, बस हमें इस तरीके से कट लगाना है। और इसी बहाने हम चेक भी कर लेंगे कि इसमें कीड़े हैं या नहीं, और देखिए कीड़े भी नहीं हैं। तो बैंगन हमारे इसी तरीके से सारे कट करके तैयार करेंगे। चाहे तो आप पीछे की जो डंडी है ना वो हटा सकते हैं। तो हम ये सारा स्टेम निकाल देंगे इसके, ये देखिए, और बैंगन सारे हम इसी तरीके से कट करके रेडी कर लेंगे। और अब चलिए हम इसके लिए एक बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई या फिर पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून मूंगफली के दाने, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और जब मूंगफली के दाने आधे रोस्ट हो जाएंगे ना तो हम इसमें डालेंगे नारियल। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच के आसपास नारियल लिया है, सूखा नारियल यूज़ किया है मैंने। और इसके पतले पतले टुकड़े काट लिए हैं, इसको भी डाल देंगे मूँगफली के साथ। इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी मेथी दाना, लगभग 1/4 छोटी चम्मच। अगर आपको मेथी दाने का टेस्ट नहीं पसंद हो तो इसे हटा सकते हैं। तो ध्यान रहे मूंगफली को आधा भुनने के बाद ही ये सारी चीज़ें हमें डालनी है और बिल्कुल धीमी आंच पर करनी है। 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और अब डालेंगे 1 छोटी चम्मच के आसपास साबुत धनिया। देखिए मसाले हमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेने हैं, थोड़े थोड़े डालने हैं लेकिन अलग अलग वैरायटी के डालने हैं। और ये बेसिक मसाले हैं जो सबके घर में होती हैं। 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल लिया है मैंने, इसको भी डाल देंगे इसके साथ ही। और अब मैंने लिया है थोड़ा सा अजवाइन, लगभग 1/4 छोटी चम्मच के आसपास ज़रा सा डाला है मैंने। मैंने यहाँ पर लिया है कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, इसको भी हम मसालों के साथ ही डालेंगे क्योंकि जब ये भुन जाते हैं ना तो मसालों के साथ ही पिस जाएंगे और इसका पाउडर फॉर्म हो जाएगा, तो मसाले बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनेंगे। तो इनको हम थोड़ी देर, लगभग 10 सेकेंड के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि थोड़े से क्रिस्प हो जाए। ये देखिए मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, लेकिन इसको चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो मसाले जल ना जाएं। और अब हम इनको अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो इनको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। ये देखिए बहुत ही कलरफुल और टेस्टी हमारे मसाले बनकर तैयार होंगे और इससे बनी हुई सब्ज़ी ना बहुत मज़ेदार बनती है। तो चाहें तो इस तरीके से ये मसाले को पीस लीजिए और कम से कम 1 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। किसी भी सब्ज़ी में डालेंगे ना तो बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। देखिए कसूरी मेथी भी कितने अच्छे से भुनकर, ये देखिए पिसने के बाद पाउडर फॉर्म में तैयार हो जाएगी। ये होममेड कसूरी मेथी है और इसकी वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। तो चलिए ये हमारा सारा मसाला ठंडा हो चुका है, तो इसको डाल देंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर। ग्राइंडर हमारा सूखा होना चाहिए क्योंकि हम इसे पाउडर बनाने वाले हैं। तो बिना पानी डाले हम इसे बिल्कुल बारीक सा पाउडर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें लहसुन का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, हमने इस रेसिपी में लहसुन का यूज़ नहीं किया है। तो ये लीजिए पाउडर हमारा तैयार है, मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है, बहुत बारीक नहीं पीसना है। तो इसको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। ये लीजिए हमारा ये मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इसे अगर स्टोर करना चाहते हैं तो किसी भी क्लीन कांच के जार में रख करके आप इसे 1-2 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है गाइस सब्ज़ी, तो ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच के आसपास कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी आमचूर पाउडर यूज़ किया है मैंने हल्का सा चटपटा टेस्ट देने के लिए। आप चाहे तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच डाला है मैंने आमचूर पाउडर। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अब डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। चाहे तो आप इसमें से जो मसाले आपको नहीं पसंद हो वो आप हटा सकते हैं, गरम मसाले डालना ज़रूरी नहीं है। अब नमक डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिलाएंगे। नमक हमने बैंगनों को ध्यान में रखते हुए डाला है, तो मसालों में ही सारा नमक हमने डाल दिया, फिर से हमें दोबारा नमक ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाले हमारे बढ़िया से तैयार हो गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ ली हुई हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा अदरक बारीक बारीक कटा हुआ, 1 इंच अदरक था,
उसके साथ ही दो हरी मिर्च ली है मैंने बारीक बारीक कटी हुई, ये भी हम सारे मसाले में डाल देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, इसको भी बारीक बारीक चॉप किया है। जो भी सब्ज़ियाँ आप इसमें डाल रहे हैं ना, बहुत बारीक बारीक काट के डालिएगा। थोड़े से प्याज लिए हैं मैंने एक बड़े साइज़ का, इसको भी बारीक बारीक काट कर डाला है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर दो बड़े चम्मच हरे धनिया के पत्ते भी ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें मटर के दाने भी हल्का सा क्रश करके डाल सकते हैं, इससे भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, मिलाने के बाद मैंने इनको डाल दिया है एक बड़े से बोल में, क्योंकि जो प्लेट थी ना वो थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी तो मसाले गिर रहे थे, इसलिए मैंने इसको एक बड़ी बोल में डाल दिया है। ये देखिए, और टमाटर के रस से ना मसाले हमारे गीले हो गए हैं, ये देखिए। तो चलिए इसको साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने बैंगनों को कट करके रखा था ना चार टुकड़ों में, ये देखिए इस तरीके से, इन कट्स के अंदर हम ये मसाले भरेंगे। तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है इसको भरने में, अच्छी तरीके से भरना है, बहुत ही दबाते हुए, और मसाले बिल्कुल ऊपर तक भरने हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये जो बैंगन है ना बहुत जल्दी बन जाता है। इसके लिए ना तो आपको अलग से ग्रेवी बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको मसाला बनाने की ज़रूरत है, ये इस तरीके से बहुत झटपट तैयार हो जाते हैं। तो चलिए सारे बैंगन हम इसी तरीके से भरकर रेडी कर लेंगे। देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं अभी से ही, ये देखिए। तो चलिए सारे हम बनाकर रेडी कर लेते हैं ऐसे ही। और ये देखिए, हमने यहाँ पर सारे बैंगन इस तरीके से भरकर रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर मसालों को भरने के बाद मेरे पास थोड़े से मसाले बच गए हैं, और बचने ही चाहिए, इतने ही हमें मसाले बनाने हैं कि थोड़ा सा बच जाए हम ऊपर से भी डाल सकें। अगर आपको अगर ज़्यादा मसाले पसंद हैं तो आप तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी भी बनाएं। और ये मसाले नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में गरम मसाले या फिर साबुत मसाले नहीं डाले हैं हमने। चलिए इनको कुक करते हैं। तो इनको कुक करने के लिए मैंने एक कढ़ाई गरम होने रख दी है, और इसमें डालेंगे 3 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। कोई से भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सरसों तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, 1/3 छोटी चम्मच सरसों के दाने, थोड़ा सा हींग डालेंगे, हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो 1 पिंच डाल दिया है मैंने। और अब डालेंगे करी लीव्स, मैंने यहाँ पर स्टोर की हुई करी लीव्स डाली है, फ्रेश नहीं है, थोड़ी सी ड्राई है। तो इसको हम अच्छे से मिलाएंगे तेल में, सारी चीज़ें बढ़िया से क्रैकल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये बैंगन एक एक करके तेल में। ये देखिए, तो इस टाइम पे फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है, बहुत हाई नहीं रखा है। बैंगनों को डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिला लेंगे, ताकि जो तेल है ना वो बैंगनों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए, उसके बाद हम इन्हें कुक होने के लिए रखेंगे। तो ये अच्छे से कोट हो गई है, तेल की लेयर हो गई है। अब हम ढक्कन लगा देते हैं इनको, और लगभग 3-4 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि बैंगन एक साइड से बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएं। और आइए चेक करते हैं, देख सकते हैं बैंगन हमारे एक साइड से बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको हम टर्न कर लेंगे दूसरे साइड से भी, और बढ़िया से इन्हें भी सुनहरा और सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, और ढक्कन लगा देते हैं ताकि जल्दी से कुक हो जाएं। 2-3 मिनट और पकाने के बाद देख सकते हैं बैंगन हमारे काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं, तो ज़्यादा इन्हें चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, टूट जाएंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर ये बना हुआ मसाला जो हमारा बच गया था ना, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। चाहे तो थोड़े से पानी भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, वैसे इस रेसिपी में पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना पानी बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर आपको हल्की सी ग्रेवी चाहिए ना, तो आप इसमें लगभग 4 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं, जिससे कि मसाला काफ़ी मज़ेदार बनेगा। मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। और अब हम इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक धीमी आंच पर पका लेंगे। और लीजिए, देख सकते हैं कितने मज़ेदार बने हैं, साइड साइड से मसालों से तेल रिलीज हो गया है, और ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही खुशबूदार, बहुत बहुत टेस्टी बनकर तैयार है। और ये झटपट बन के तैयार हो जाती, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से मसाले तैयार नहीं किए थे। और देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहे हैं। तो चलिए सर्व करते हैं। लीजिए, कि बहुत ही स्पेशल सा भरवा मसाला बैंगन हमारा रेडी हो चुका है। इस तरीके से अगर आप मसाला बैंगन बनाएंगे ना, तो सारे लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मांग मांग के खाएंगे। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते से या फिर कसूरी मेथी से गार्निश कीजिए, और गर्मा गर्म आप इसे रोटी, पराठे, नान के साथ सर्व कीजिए। सारे लोग बहुत ही पसंद से खाएंगे, तो ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। बैंगन की और भी रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हैं नए नए तरीके से, तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी रेसिपीज़ के लिंक दिए हुए हैं, जाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी इनोवेटिव रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक घंटी आएगी उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि आपके पास रोज़ की नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मैं इस मसाले बैंगन को सर्व कर रही हूँ सिंपल रोटी के साथ में, कि देख सकते हैं कितने मज़ेदार बने हैं, और बैंगन बहुत ज़्यादा चटपटे हुए हैं।
आप इस रेसिपी को छोटी मोटी पार्टी हो ना उसमें भी आप सर्व कर सकते हैं, साइड डिश के तौर पर बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए बैंगन कितने अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं और बहुत चटपटे बने हैं। तो ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कैसा लगा हमें कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।